हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, स्वागत सभी का। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है जी, अमेरिका रेडी हो गया जी फॉर गिव वीटो पावर टू इंडिया। हाय हाय हाय, क्या बात है। ओके, चलें जी देखते हैं, अमेरिका रेडी हो गया। हां जी, अमेरिका मान गया जी, अमेरिका को पता चल रहा है। तो जिसकी उम्मीद में करोड़ों देशवासी इंतजार कर रहे थे, अब वह वक्त आ चुका है और अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत के हाथ में वीटो पावर देने का फैसला ले लिया है। और अब भारत भी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की तरह ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने खुद भारत के लिए यूएन का परमानेंट मेंबर बनने का दरवाजा खोल दिया है। यानी कि जब अमेरिका ने खुद भारत के लिए यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए दरवाजा खोल दिया है, तो भारत के हाथ में वीटो की कमान आने में देर नहीं लगने वाली है। पिछले कई सालों से भारत इस होड़ में जुटा हुआ है कि हमें भी वीटो पावर मिल जाए और हम भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर। देश और चीन इस बात का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट न मिले। हालांकि जब हाल ही में पीएम मोदी जी अमेरिका की क्वाड समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, तो सभी भारतीयों को इस बात की उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बड़ा खेला तो भारत जरूर करेगा। और कमाल की बात देखिए कि भारत के पीएम मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी अभी अमेरिका से भारत लौटे भी नहीं कि उसके पहले ही यह खबर सामने आ चुकी है कि यूएस बैक्स इंडिया फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट एंड ऑल्सो क्वाड लीडर्स इको सिमिलर सेंटीमेंट। इस वीडियो में हम आपको यूएनएससी का मेंबर बनने और भारत को वीटो पावर मिलने से जुड़ी पूरी खबर आसान शब्दों में समझाएंगे। और इस वीडियो में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो अमेरिका अभी तक खुद नहीं चाहता था कि भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाए और वीटो पावर दी जाए, उस अमेरिका ने आखिरकार अपना फैसला क्यों बदल लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकेंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय भारत के पीएम मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर है, जिसमें विभिन्न देशों के साथ भारत की कई सारी मीटिंग चल रही है। लेकिन मेनली जिस मीटिंग के लिए, यानी कि क्वाड सबमिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जी अमेरिका गए थे, इस सबमिट में होने वाली मीटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल इसी बीच मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ तो खींच ही लिया है, और कई देशों के बीच भारत के लिए वीटो पावर मिलने एंड यूएन में शामिल होने को लेकर बहस भी छिड़ गई है, जिसमें कुछ देश भारत के लिए इसे मौके की तरह देख रहे हैं और भारत के साथ हो रहे फैसलों से काफी ज्यादा खुश है। असल में देखा जाए तो पीएम मोदी की इस विजिट ने सभी देशों का ध्यान अपनी तरफ इसलिए खींच लिया क्योंकि यहां पर वीटो पावर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया। क्योंकि क्वाड सबमिट के दौरान हुई मीटिंग में अमेरिका ने भारत को सीधे तौर पर यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने पर बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है और भारत दुनिया के सभी देशों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह बात जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि दुनिया भर में टोटल 195 देश है, जिनमें से 190 देश के साथ भारत का व्यापार होता है। यानी कि 190 ऐसे देश है जिन देशों में भारत के सामानों का एक्सपोर्ट होता है और वहां से हम लोग सामान खरीदते भी हैं। और यह जो 190 की संख्या में देश है, उनके साथ भारत का कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं होता, बल्कि इन देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा मजबूत है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7500 से अधिक आइटम्स भारत के द्वारा इन देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो 6000 से अधिक आइटम्स हर साल हम लोग इन देशों से अपने देश में खरीद कर इम्पोर्ट करते हैं। यहां तक कि भारत का अन्य देशों के साथ हर साल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसकी वैल्यूएशन लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती है। यानी यह आंकड़ा इस बात को दिखाने के लिए काफी है कि भारत की उपयोगिता दुनिया भर के वैश्विक मार्केट में कितनी ज्यादा है और भारत अन्य देशों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में
भारत के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होना जरूरी है, ताकि भारत के पास भी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल रहे और आने वाले समय में भारत भी अपने मन मुताबिक फैसला ले सके। और यह बात अमेरिका को अब समझ में आ रही है, जब भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अमेरिका का सपोर्ट भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की ओर देखा जा रहा है। और जब अमेरिका ने भारत के हित में ऐसी बात क्वाड समिट में सामने रखी, तो यह बात दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई कि अमेरिका भारत को यूनाइटेड का परमानेंट मेंबर बना रहा है, ताकि भारत को भी वीटो पावर दी जा सके, जिसके कारण आज की डेट में दुनिया के पूरे देश में भारत को वीटो पावर मिलने पर बहस छिड़ी हुई है। और भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या फिर नहीं, इसके लिए दुनिया के सभी देश दो गुटों में बंट चुके हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका ने तो भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट दिलाने पर फैसला लिया, लेकिन यूएस द्वारा कंट्रोल यूएन के परमानेंट सदस्यों को भी लेकर इसी बात की गहमा गहमी है कि भारत को वीटो पावर देना सही है या फिर नहीं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पांचों परमानेंट मेंबर में से रूस और जापान का सपोर्ट था कि भारत को परमानेंट सीट मिल जाए, और बाकी के चीन और फ्रांस बीच में टांगें खींचने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को परमानेंट सीट न मिले। यहां तक कि अमेरिका भी काफी लंबे समय से भारत की कोशिश को नाकाम करने में जुटा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रिक्स जैसे मजबूत जिस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, वह खुद यूएस के द्वारा चलाए जा रहे यूनाइटेड नेशन और नाटो जैसे बड़े संगठन को टक्कर देने के लिए खड़ा हो रहा है। और कई देश नाटो छोड़कर भारत और रूस के ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं। तो बहती गंगा के बीच में हाथ धोने के लिए अमेरिका ने तो भारत का सपोर्ट शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी चीन की कोशिश भारत की टांगें खींचने में है। और चीन चाह रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट न मिले और भारत के हाथ में आने वाली वीटो पावर मिलते मिलते फिसल जाए। और यहां पर जब भी चीन भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोक लगा रहा है, तो चीन के पास जो वीटो पावर है, उसी पावर को इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने से रोक देता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि वीटो पावर जिस देश के पास है, अगर वह चाहे तो किसी भी नियम को रोक सकते हैं, और जब तक वह एग्री नहीं होते तब तक वह नियम लागू नहीं होगा। और चीन के इसी विरोध के कारण ही भारत को यूएन में अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिल पाई। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट दिखाना शुरू किया है, अगर भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिलती है, तो ऐसे में भारत चाहे तो जो वैश्विक युद्ध चल रहे हैं उसको भी शांत करा सकता है। क्योंकि इस समय जितने भी देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, लगभग सभी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। और अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे संगठन में रहकर युद्ध शांति की गुहार लगाएगा, तो जरूर ही वैश्विक युद्ध शांत हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका के इस तरह सपोर्ट के बाद अब भारत को वीटो पावर मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या लग रहा है? लेकिन चाइना कभी नहीं चाहेगा और के इंडिया को जो है वो वीटो पावर मिले। अब एक चीज है कि जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो वो पॉसिबली ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में इंडिया को जो है वो वीटो पावर जो है वो मिल जाए। कभी यही नजर आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है वो इस टाइम इंडिया बन रहा है। इंडिया ग्रोइंग बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट कर रहा है। 90 कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस है जिनमें वो इंपोर्ट 195 कंट्रीज है जिनके साथ उनका नहीं है। 5 में हम भी आते हैं हमारे साथ तो नहीं ना, ऐसे बता रही हूँ कि 5 कंट्रीज रहती है, बाकी 190 कंट्रीज के साथ भाई उनका है। तो पीरियड्स मीन के कुछ है तो वो आगे ग्रोथ कर रहे हैं। नजर आ रहा है सबको इंडिया का काम नहीं। वीटो पावर अभी फ्रांस के क्यों पीछे हटा हुआ है? अब यही है ना, चाइना के साथ लगा होगा वो और दोनों मिलके। लेकिन अब तीसरा खिलाड़ी है अमेरिका। अमेरिका ठीक है, अगर अमेरिका अलाउ कर, अभी उधर देखो ना,
सबको नजर आ रहा है, अमेरिका भी को भी नजर आ रहा है कि अब तुर्की जो है वो ब्रिक्स में जा रहा है, ठीक है। तो जब तुर्की ब्रिक्स में जाएगा तो डेफिनेटली मतलब कि ये स्ट्रांग हो रहा है, ब्रिक्स जो है स्ट्रांग हो रहा है। तो इधर इंडिया को वीटो पावर देना अमेरिका, अभी मेरे नहीं, अमेरिका अभी डामांडोल होगा, 50-50 होगा अभी, क्योंकि अमेरिका अगर डेफिनेटली इस 3-2 से तो मिल जाएगी, तीन अगर एक देश जो है वो, तीन देश जो है वो एक साइड पर हैं, दो एक साइड पर हैं, तो फैसला तो तीन वालों का माना है, क्योंकि मेन अब वो अमेरिका थोड़ा सा डामाडोल इस वजह से ऊपर है कि चाइना टांगे खींच रहा है दोनों साइड, इधर से भी खींच रहा है उधर से भी खींच रहा है, लेकिन फ्यूचर अभी नहीं तो फ्यूचर में मिल जाएगी, मिल हो जाना है, क्योंकि प्रोग्रेस है ना और वो कोशिश भी कर रहे हैं और हो जाएगा इनका। चलें जी, आपके क्या विचार हैं, बाकी कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।